लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो भाई ठाकुर, अब घोड़ा पसंद कर लो। तुमने कहा था तो अपनी सालगिरह में घोड़ा खरीद दोगे, अब कर लो फैसला। सेना, सालगिरह तुम्हारी पूनम की है, घोड़ा भी यही पसंद करेगी है? ठाकुर, सवारी करनी है तुम्हें और पसंद करेगी बच्ची। भाई तुम्हारे यहाँ का सिस्टम को मेरी समझ में नहीं आता। तुम जन्माष्टमी को पैदा हुए तो नाम रख दिया किशन, बच्ची पूर्णमासी को पैदा हुई तो नाम रख दिया पूनम। अब ये बतलाओ, बच्ची की सालगिरह दिन जो घोड़ा खरीद रहे हो, इसका नाम क्या रखोगे? सिन्हा, तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत नहीं गई, बात बहुत लंबी करते हो। बेटे बताओ तुम्हें कौन सा घोड़ा पसंद है, बोलो बोलो। कौन सा घोड़ा पसंद है बेटे, बोलो बोलो। डैडी, हमें तो वो सफेद घोड़ा पसंद है। अरे वाह, बल्ले बल्ले। ठाकुर, बच्ची की पसंद तुमसे ज्यादा अच्छी है, इसने सबसे बेहतरीन घोड़ा पसंद किया है। टीपू को इधर लाओ। हाँ बेटा। ला ला ला। क्यों बेटे, अच्छा है ना? अंकल, हमें घोड़े पे बिठाइए ना। अच्छा। ठीक है ठीक है, चलो। शाबाश, सांस अब रहना और एक राउंड लगा के ले आ बच्ची को। अच्छा डैडी। ये मेरा बच्चा है सरकार। अच्छा अच्छा, बड़ा होनहार लड़का। अरे सवार भी बड़ा गजब का है, तीर की तरह लेकर गया घोड़े को, तीर की तरह। रघु, ये भी तुम्हारी तरह हमारे घोड़ों की देखभाल करता है? जी नहीं सरकार, ये पढ़ता है। अच्छा अच्छा, आज इसकी सारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम पर है सरकार। जिस तरह हम अपनी बच्ची पर खर्च करते हैं, इस पर भी खर्च करेंगे सरकार। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। रघु, एहसान तो तुम्हारे बेटे ने हमारी बच्ची की जान बचाकर हम पर किया। बिटिया रानी के बचने की खुशी में एक महीने तक गरीबों को खाना खिलाया जाए और आसपास के तमाम अनाथालय और अस्पतालों में 1,000 का चेक भिजवा दिया जाए। अरे हाँ, और हमारे सभी काम करने वालों को कपड़े और मिठाइयाँ बंटवा दी जाए। चंदन, क्या है, इधर आ। चल राइडिंग करेंगे। पागल हो गई है क्या, रानी माँ देखेंगी तो मारेंगी। उस दिन तो मरते मरते बची हो तुम। घोड़े पे बैठना तो आ गया, अब फिर तू क्या है अपने बचाने वाला।
ना बाबा, मुझे तो डर लगता है, फिर मैं अकेले जाती हूँ। Thank you.
हेलो बिटिया, कैसी हो? आप कहाँ जा रहे हैं? भैया घूम फिर के तुम्हारे ही आने वाला था। ये कौन है? ये चंदर है। चंदर? ओहो, याद है बचपन में इसने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ। बहुत अच्छा राइडर है। अभी आपने इसकी राइडिंग देखी कहाँ है? देखो बिटिया, राइडिंग तो अनारी देखते हैं, हम तो बैठने के स्टाइल से समझ जाते हैं। सुनो बरखुदा, क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो तो ऐसा करो, पढ़ लिख लो और उसके बाद मेरे स्टड फार्म में आ जाओ, मुझे अपने घोड़ों के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत है।
नहीं अंकल, बड़ी मुश्किल से तो इसे अस्तबल से बाहर निकाला है, जहाँ इसके बुजुर्ग हमारे घोड़ों की देखभाल किया करती थी। आप इसे फिर वापस ले जाना चाहते हैं? बेटिया, I'm sorry, very sorry. मुझे नहीं मालूम था कि तुमने इसके लिए कुछ और सोच रखा है। ये बताओ तुम्हारे डैडी घर पे हैं? जी। Okay, have a nice time. अरे, कलंदर बादशाह। कितना अच्छा गा रहा है। कौन है अंकल? बेटे, ये एक उदास बंजारा है जो अपने दिल में गमों का बोझ लिए हुए बस यही गाना गाता रहता है। लोग कहते हैं इस गाने के पीछे कोई कहानी है। भाई, आई डोंट नो। हम इसे मिलने चलते हैं। सुनो, इस बिट क्रैक, कीप इन माइंड। ओके। आओ बैठो। ये गाना आप गा रहे थे? हाँ। तो गाइए ना। गाना मेरी तन्हाई की जुबान है, मैं अपना दिल बहलाने के लिए गाता हूँ। किसी दिन आप हमारे घर आइए, डैडी आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। किसकी बेटी हो? ठाकुर किशन सिंह। हाँ, बहुत बड़ा आदमी है। ये कौन है? ये चंद्र है। क्या देख रहे हैं बाबा? बेली जब तू प्यार करने वालों को देखता है बहुत खुश होता है। बाबा, आप हमारे घर कब आएंगे? आऊंगा, जरूर आऊंगा। जब तुम्हारी शादी होगी तब आऊंगा। सीधी कॉलेज से घर आ जाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। अच्छे मम्मी, तुझे कॉलेज से आने में देर क्यों हो जाती है? कॉलेज तो 4 बजे बंद हो जाता है ना? एक दो काम हो तो बताओ मम्मी। कॉलेज के बाद किताबों के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर कभी सोशल वर्क एसोसिएशन की मीटिंग होती है, कभी ड्रामेटिक क्लब की मीटिंग होती है, मगर आज मैं सब काम छोड़ के सीधे घर आ जाऊंगी। ओके मम्मी। अच्छा, बाय बाय। बाय बेटा। पूनम, एक मिनट इधर आना बेटे। जी डैडी। नमस्ते। जी फिर हो बेटे। बेटे, ये श्री रामनाथ जी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे खास दोस्त। वो मेरे बेडरूम में क्रिकेट टीम की एक फोटोग्राफ है ना, उसमें एक पतली सी चीज है, ये वही है। बैठो ना बेटी। नहीं अंकल, कॉलेज का वक्त हो गया है, मैं जाऊं डैडी। आ जाओ बेटे। बाय अंकल। भाई ठाकुर, तुम्हारी बच्ची तो बहुत प्यारी निकली। मुझे तो सूखी हुई चीज याद है जो भाभी की गोदी में पड़ी पड़ी हमेशा रोया करती। अरे भाई, अब तो हम रोएंगे इसके जाने के बाद। बाबूजी, इस देश की हालत दिन पर दिन पतली होती जा रही है। क्यों भाई, क्या हो गया? जो भी कुर्सी पर बैठता है गोंद लगाकर बैठता, मेरा मतलब देश प्रेम सिकुड़ कर कुर्सी प्रेम रह गया है। अब देखिए ना, धोबी बटन खाते हैं, नेता देश का भविष्य, बहन भाई का सर खाती है, लेकिन ये नहीं देखती कमीज में बटन लगा है या नहीं। माँ ने कहा था बटन मैं टाक दूंगी, लो तुम ये चाय पियो, मैं अभी बटन टाक के लाती हूँ। बाबूजी, ये हाई स्कूल कर लेना, इसे शॉर्ट एंड टाइपिंग का कोर्स कराते हैं। अच्छा? नहीं, मुझे सुधा से नौकरी नहीं करवानी। अरे मैं क्या पूजा भगवान की कर रही हो, कान लगे हुए? अरे चंदर, अरे गिर जा तू, आना। कल मेरा लाइसेंस मिल गया चाचा जी, शहर जाके टैक्सी चला रहा हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। टैक्सी में बहुत पैसा है। और आजकल तो बैंक से लोन भी मिल जाता है। फिर साल दो साल में टैक्सी अपनी हो जाएगी और 5 उंगलियां घी में होंगी। तुम भी कहाँ यार, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ गए, और फिर कॉलेज के प्रोफेसर को 450 रुपए मिलता है, इतना तो हम टैक्सी वाले हफ्ते भर में कमा लेते हैं। हाँ भाई, तुम्हें क्यों फिक्र होगी पैसे कमाने की, तुम तो सोने की चिड़ी पर आंख लगाए हो, हवेली की तरफ ताक लगाए बैठे हो। गिर जा, अगर फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकाली तो बक्की पेट के अंदर कर दूंगा, समझा? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? ख्याल है मैं शाम को इंतजार करूंगा। ये को टाइम है आने का, 9:30 तो यहीं बज चुके हैं, कॉलेज कब पहुंचेंगे? I'm sorry. चलो चलो ना। नाराजगी होती रहती
हर वक्त। अरे मेरे एक क्लास में 8 साल फेल होने से तुमको तकलीफ क्या होती है? तकलीफ तो उस दिन होगी जिस दिन मैं पास होकर कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा। तुमको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन? अरे मेरे खानदान में कोई 10 साल से पहले एक क्लास में पास ही नहीं हुआ तो मैं क्यों हो जाऊं? सत्यानाश, भाई तुम कहां से कहां पहुंच गया? हमारे कहने का मतलब ये था कि हमारे कॉलेज के एनुअल डे पे क्या प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम ये प्रोग्राम का क्या, प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं। ये कथा सम्मेलन प्रोग्राम भी कमाल के प्रोग्राम होते हैं। जब जब रामायण में कृष्ण का जिक्र आता है तो मेरा मन आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। आनंद, ये आनंद पिक्चर देखी तुमने? उसमें भी डायलॉग कमाल के है। कमाल, कमाल से मुझे कमाल की बात याद आई। मेरे पास कमाल अंधेरी का लिखा हुआ नाटक है, रजिया सुल्तान। रजिया? अरे रजिया तो मेरे घर के बाजू में रहती है, कमाल की लड़की है। मैं 3 साल से उसको लाइन मारता हूँ लेकिन वो लड़की है कि मेरी तरफ नजर उठाकर देखती तक नहीं। मैं जब जब भी उसकी तरफ देखता हूँ तो उसका बाप मेरे को लाइन, मेरा मतलब मेरे को देखता है। अबे गौचू, मैं उस रजिया की बात कर रहा हूँ जिसका जिक्र हमारे जुग्राफिये में है, रजिया सुल्तान। सुल्तान? हाँ हाँ यार, सुल्तान तो मेरे घर में मेरे दादाजी की मालिश करने रोज आया करता था। मैं रजिया को लाइन मारता था, रजिया सुल्तान को लाइन मारती थी। सुल्तान एक दिन मालिश करने नहीं आया, दूसरे दिन पता चला रजिया सुल्तान को लेकर भाग गई। हो गया मैं रजिया सुल्तान। तुम नहीं सुधरोगे। अबे मैं रजिया सुल्तान ड्रामे की बात कर रहा हूँ, समझे? अब ये सोचो उसमें विलन किसको बनाए, जोरदार विलन। चंगेज खान। अबे उसको मैं कब्र से खींच कर लाऊं? उसकी बात कर जो हमारे कॉलेज का विलन है। कॉलेज में? विनोद। हाँ हाँ यार, उससे बढ़कर अपने कॉलेज में और कोई विलन है भी नहीं। अंदर से भी विलन, बाहर से भी विलन है। करेक्ट। अब ये सोचो हीरो हीरोइन किसको बनाए। हीरो तो मैं हीरोइन के बगैर हीरो अच्छा नहीं लगूंगा ना। अपनी कॉलेज में एक लड़की है ना जो एक लड़के से प्यार करती है, जोड़ा है। पूनम चंदर। करेक्ट, पूनम चंदर। मेरी और चंदर की फीस भाई खराबी नाम ही में है। चंद्रमा सूरज से रोशनी भीख में पाता है और चंदर किसी से अपनी फीस। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरों के टुकड़ों पे पलने में क्या मजा आता है। मिस्टर विनोद, फिर कभी ऐसी बदतमीजी की तो तुम क्या पलोगी, तुम रो पलोगी। भाई सोशलिज्म के खिलाफ तो हम नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारी की सारी मेहरबानियां एक ही के हिस्से में आए। भाई इस कॉलेज के अंदर और भी तो गरीब लोग हैं। गरीब तो तुम वाकई हो विनोद, क्योंकि तुम्हारे पास बोलने तक की तमीज नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि लड़कियों के साथ कैसे बातचीत की जाती है। अब मैं साइज के लौंडे के मुंह क्या लगूं? मेरे पिता साइज जरूर हैं लेकिन अपना पसीना बेचते हैं। तुम्हारे पिता की तरह चावल में कंकर और दवाओं की जगह सहन नहीं बेचते। हम इज्जतदार लोग हैं। ओ, आप इज्जतदार लोग हैं। मुझे अपने कॉलेज में इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। लड़ना ही है तो छूतछात, चोरी, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ो ताकि मैं फक्र महसूस कर सकूं कि तुम दोनों मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हो। यू मे गो नाउ विनोद। तुम तो मेरे कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इतना भी नहीं समझते? अगर विनोद को कॉलेज से निकाल दिया जाए तो भी वो जिंदगी भर ऐश कर सकता है। उसके पास लुटाने के लिए अपने बाप के करोड़ों रुपए हैं और तुम्हारे पास सिवाय नेक नामी के और क्या है? जानते हो
इस हरकत पर तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा सकता था। सर। आगे से ध्यान रखना, जाओ। आई एम सॉरी सर। क्या हुआ चंदर? कुछ नहीं। चंदर, क्या बात है चंदर? तुम्हारा ये लटका हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बताओ ना प्लीज। पूनम, मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ। पढ़ाई छोड़ दो? क्यों? मेरे ठीक है तो कहता है, आखिर कब तक मैं दूसरों के टुकड़ों पर पलता रहूंगा? कब तक तुम मेरी फीस भरती रहोगे? तुम पागल तो नहीं हो गए जो ऐसी बातें कर रहे हो? क्या प्रिंसिपल ने कुछ कहा? बताओ ना। कोई नई बात नहीं, वही बात जो मैं बरसों से सुनता आ रहा हूं। क्या? यही कि मैं गरीब हूं, ठाकुर साहब की मेहरबानी मुझे ओस चाट कर जी रहा हूं। भगवान ने मेरे लिए कोई नई तकदीर नहीं लिखी, वही मेरे पुरखों की पुरानी लहू लुहान तकदीर मेरे माथे पर थोप दी। इसका मतलब है मेरा कोई अर्थ ही नहीं, मेरे होने ना होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारे पुरखों में से किसे ही सवेली की किसी पूनम का प्यार मिला था? तुम्हें तकदीर पढ़ना आता ही नहीं, आओ मैं बताऊंगी तुम्हें पढ़ के तुम्हारी तकदीर। ये क्या कर रहे हो? प्यार? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या पहली बार है? ऐसा वाला प्यार शादी के बाद ही अच्छा लगता है। क्या बात कर रही है यार तू, क्या पंडित भगवान से बड़ा हो गया? अरे भगवान के सामने जब कसम खाई है तो फिर क्या है? सुधा, माँ बुला रही, मैं जाती हूँ। फिर कब मिलोगी? शायद शाम को। सुधा, पता नहीं ये लड़की कहाँ घूमती रहती है सारा दिन। क्या है माँ? ये क्या, अरे यही तेरी उम्र है सारा दिन भटकते रहने की? जा चंदर को बुला ला, ठाकुर साहब राह देख रहे हैं। आपने मुझे बुलाया ठाकुर साहब? हाँ चंदर, एक बात है कि तुम दो चार दिन कॉलेज मत जाओ। क्यों? यहाँ एक जरूरी मुकदमे की तारीख चल रही है, इसलिए मैं तो जा नहीं सकता, और वहां जंगलों का ठेका देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। जैसा आप कहें ठाकुर साहब। तो ऐसा करो कि तुम कल ही चले जाओ। जी नहीं बोलो। टेडी देखो ये भाग रहा है, मेरे कॉलेज में ऐसी कॉम्पिटिशन है और इसने बोला था मैं लिख दूंगा, कई दिनों से टाल रहा है। टेडी देखो कल लास्ट डे है, अगर मेरा ऐसे नहीं पहुंचा तो मेरी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी ना। लेकिन बेटे इसके जाना बहुत जरूरी है, और रही ऐसे की बात, अवल तो तुम्हें खुद लिखना चाहिए। अगर तुम नहीं लिख सकते तो नंबर वन हम लिख देंगे। आप लिख देंगे? क्यों जी, हम नहीं लिख सकते? सोशियो पॉलिटिकल बैंकरप्सी ऑफ हिंदी सिनेमा पे ऐसे आप लिख देंगे? जिंदगी में सवा दो फिल्में तो देखी हैं। सवा दो का क्या मतलब? बंदनी और सुजाता, ये तो हुई दो, और एक किसी फिल्म का ट्रेलर देखा था, और चले हैं ऐसे लिखने, और वो भी सोशियो पॉलिटिकल बैंकरप्सी ऑफ हिंदी सिनेमा पे। ना भाई ना, ये ऐसे लिखना हमारे बस का रोग नहीं। ऐसे मैं लिख दूंगा, लेकिन तुम्हें तो कल जाना है। आज ही रात को। चंद्र, जाने की तैयारी करो। जी जी हाँ। कैथली मैंने सवा दो पिक्चरें देखी, नॉटी गर्ल। पूनम, पूनम, ये क्या पागलपन था? अगर ठाकुर साहब शक हो जाता तो? तुम ठाकुर साहब और जंगल की ठेकेदारी के बारे में ही सोचते रहो, डैडी को शक होता है तो हो जाने दो, और फिर एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है ना। ये दीवानों की तरफ बातें मत करो। क्यों ना करूं? कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तुम नहीं समझोगे ये बातें, क्योंकि ये मोहब्बत की बातें हैं, और मोहब्बत तुम्हें दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे डैडी के नमक की पट्टी बंधी है। पूनम, तुम क्यों नहीं समझती? मैं सब समझती हूँ चंदर, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मोहब्बत के सिवा जिंदगी में और भी कई काम हैं। पूनम, ठाकुर साहब की किसी भी बात को मैं इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो बात हमें जुदा ही क्यों ना कर दे।
यार तुम जरा सी बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? मेरी बात का जवाब दो चंदर, टेडी की बात मानोगे या मेरी? समझ गई पूनम। कौन है? अरे बाबा कौन है? मैं हूँ हसीना, खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। ओ मैं हूँ हसीना, खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जनम, ले ले दिल नजराना मेरा। मिलाए जिससे तूने सनम, तीर चलाए जिसके दिल पे सनम। हे आंखें मिलाए जिससे तूने सनम, तीर चलाए जिसके दिल पे सनम। वो दीवाना तेरे प्यार में खोया सा, किस्मत पे चला आया। Oh, who's it? मैं हूँ हसीना, खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले ले दिल नजराना मेरा। क्या है मुझे तरसाती क्यों है, चेहरा दिखा के मुझे छुप जाती क्यों है? ए, बात ये क्या है मुझे तरसाती क्यों है, चेहरा दिखा के मुझे छुप जाती क्यों है? जान ले ले तेरी शरारत, संग दिलू ना सका। ओफो कौन है? मैं हसीना, खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले ले दिल नजराना मेरा। पागल बनाए, संग हवा के तेरी खुशबू जो आए। हाय रे हाय मुझे पागल बनाए, संग हवा के तेरी खुशबू जो आए। रुक हंसी है हम तुम जवां है, पास मेरे आ भी जा। ओके कमें
सीना खोल करवा सा दिल का आ गया दीवाना तेरा कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम ले ले दिल नजराना मेरा सुधा इतनी गुमसुम क्यों हो क्या बात है कुछ बताओ तो सही क्या किसी को कुछ पता चल गया अब ये बात ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती तुम उससे ब्याह कर लोगे जा क्या अरे ब्याह करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है पहले जिंदगी के मजे तो ले लो नहीं क्या बात है सुधा अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मैं ये मैं क्या लगा रखी है मैं माँ बन गई हाँ गिरजा नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम झूठ बोल रही हो नहीं गिरजा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गिरजा ये सच चाल है मुझसे शादी करने नहीं गिरजा इसमें कोई चाल नहीं है गिरजा ये सच मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई वास्ता नहीं समझी गिरजा हमारी नाक कटवा दी बेशरम जब क्या हम वो दिखाएगा दुनिया को होते सुनकर मर ही जाएगा तेरा बाप क्या मुंह लेकर जाएगा हवेली और एक कलमोही एक काला मुंह लेकर डूब क्यों ना मरे कलमोही किसी मासूम लड़की को आत्महत्या पर मजबूर करके भागना जिंदगी का सही रास्ता नहीं गिरजा आत्महत्या हाँ अगर मैं वक्त पर ना पहुंच जाता तो बेचारी दरिया में कूदकर जान दे देती और तुम ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए मैं माफ करने वाला कौन होता तुम्हारे पाप का प्रायश्चित इसी में है कि तुम उसके साथ शादी कर लो और एक शरीफ आदमी की तरह जिंदगी बसर करो माँ ये सब क्या है ये ब्याह कैसे हो गया चुपचाप वो कहाँ है अंदर है शहर जाने की तैयारी कर रही है शहर ठाकुर साहब ने दहेज में गिरजा को टैक्सी दी है लगता है तुम उससे बिना मिले ही जाने वाली थी वही माना कि अब तेरा घर वही है लेकिन हम भी तो तेरे कुछ लगते हैं भैया मुझे माफ कर दो प्यार की भी एक सीमा होती है पगली उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होती है इसे क्या समझा रहे हो बेटे हवेली जाकर ठाकुर साहब के पैर पड़ो अगर वो न होते तो इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी थी अरे चंदर ये क्या कर रहे हो ठाकुर साहब आपने मेरे और मेरे घर वालों के लिए जो कुछ भी किया
वही बहुत था। अगर मेरा सर काटा जाए तो खून नहीं, आपका नमक बहेगा। क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? सुधा की शादी करवा कर। अरे पगले, मैंने जो कुछ किया मुझे वही तो करना चाहिए था, और फिर सुधा मेरी बच्ची की समान है। वो तो ठीक है, लेकिन आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हो, चलो जाओ जाओ, चलो यहां से जाओ जाओ जाओ। अरे चंदर, तुम कब आए बेटा? अभी भी आया रानी माँ। रानी माँ, आपने जो हम पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, हमारे लिए तो जैसे पूनम वैसे ही सुधा। अरे पूनम मिली नहीं? आज उसका जन्मदिन है, पता नहीं पगली कहाँ चली गई। जन्मदिन? आखिर निगाह डाले कोई किस हसीन पर, एक चांद आसमां पे है एक जमीन पर। अगर सुन लेगी ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, जरा पढ़ना मेरे दिल की किताब आहिस्ता आहिस्ता। मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता के, जैसे रंग लाती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। मोहब्बत रंग लाएगी झिझकते हो अभी तो तुम सिमटते हो, अभी तो तुम झिझकते हो अभी तो तुम सिमटते हो, के जाते जाते जाएगा हिजाब आहिस्ता आहिस्ता। हिजाब मोहब्बत रंग लाएगी। क्या जाने मोहब्बत किसको कहते हैं, अभी कम दिन हो क्या जाने मोहब्बत किसको कहते हैं, बहार तुम पिलाने आहिस्ता आहिस्ता। बहारें आ चुकी हैं पर गुरु
हम के जैसे जंगल लाती हम शराब यार। विनोद, क्या सोचा तुमने चंदर के बारे में? अरे सोचना क्या यार, माजे से अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो मुझसे कहो, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? कॉलेज का एनुअल फंक्शन होने वाला है ना, तो उसमें देखना क्या ड्रामा होता है। ड्रामा ड्रामा। अब हम आपको सैकड़ों बरस पहले की दिल्ली ले चलते हैं। जमाना रजिया सुल्तान का है, जो दारोगाए अस्तबल अमीर याकूत हबशी पे आशिक हो गई थी। सरहंद का गवर्नर और रजिया का तलबगार दिल्ली में मौजूद है। रजिया अमीर याकूत से मिलने आती है। वक्त है गई रात का। याकूत रबाब पर अपने वतन की कोई धुन बजा रहा है। वतन की यादगार के तौर पर उसके पास यही नगमा रह गया है, जो उसे हबश की पुरेसरार पहाड़ियों, वादियों और रेगिस्तान में ले जाता है, जहां उसका बचपन गुजरा था, कि पिछले दरवाजे पर दस्तक होती है। जमीन कतरा कतरा चांदनी पीकर जिंदा रहती है, और यही जमीन की तकदीर है, और यही चांद की मजबूरी। दिल्ली की मलिका को एक गुलाम के पास यूं नहीं आना चाहिए था। ये तो तुम्हें हमारे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलने से पहले सोचना चाहिए था याकू। हम अपनी परेशानियां लेकर कहां जाएं? अल्तुनिया दिल्ली में है, उमराए सल्तनत चाहते हैं कि उससे हमारी शादी हो जाए। हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा याकू? शायद वही ये तमाम मोहब्बत करने वालों का होता आया है मलका यालिया। याकूत अल्तुनिया या उसकी तलवार के लोहे से नहीं डरता, याकूत तरबारियों की साजिशों से भी नहीं डरता, याकूत अल्लाह की लिखी हुई तकदीर से भी नहीं डरता। याकूत डरता है तो सिर्फ आपकी बदनामी से, आ जहानी सुल्तान अल्तमश की उन मेहरबानियों से, जिन्होंने गुलाम याकूत को अमीर याकूत बना दिया। अगर आपकी बदनामी का ख्याल ना होता तो खुदा कसम दिल्ली के तख्त पर अपने खंजर की नोक से अपने प्यार की तारीख लिख देता। आंखें बता रही हैं कि तुम जाग रहे थे, फिर दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों? हम जवाब चाहते हैं। अमीरे सरहंद को शायद मालूम नहीं ये दिल्ली है, और दिल्ली के दरवाजे किसी को हुक्म से नहीं खुला करते, वो प्यार से खुलते हैं या फिर धोखे से। अपनी जबान को लगाम दे याकूत। जिंदगी अस्तबल में गुजारी है, लगाम देना तो अच्छी तरह याद होगा
मुंह से और घोड़ों को काबू करना भी नहीं भूला हूं। लगता है तुम्हें अपनी हकीकत याद नहीं रही हबशी गुलाम। मेरी हकीकत मेरी मयान में है अमीर सरहंद। अगर तुम मलिकाए मौसमा के मेहमान न होते तो कसम नमक के दरबार दिल्ली की तुम्हारी हकीकत तुम्हारे खून में तड़पती नजर आती। याकूब मैं तुम्हारी खान भर कर रख दूंगा। अबे बनोद ये कौन से डायलॉग बोल रहा है? कमाल है कमाल साहब ये क्या बोल रहा है? अफसोस अमीर सरहंद को आज तक किसने तहजीब नहीं सिखाई। इनकी जबान बाजारी लफ्जों से आलूदा है। बकवास बंद कर। रजिया कहां है? कहां रजिया? याकूब के सामने मलिका यालिया का नाम एहतराम से लिया जाता है। ओ तेरी तो ऐसी कम तैसी हरामजादे। अबे विनोद वही बोल जो लिखा है नहीं तो पब्लिक अब सबकी ऐसी की तैसी कर देगी। ओ यू शट अप। तो इस लायक नहीं कि हम तुझ पर अपनी तलवार खींचे। घोड़ों में पल का जवान हुआ है ना तो सिर्फ कोड़ों की जबान समझ में आएगी तुमको। सुल्तान का ड्रामा है कोई हंसरवादी का बेटा नहीं। अरे पर्दा गिराओ। अरे जल्दी गिराओ नहीं तो चक्कर की आधी की दस्त हो जाएगी। अरे गिराओ। यू सन ऑफ अ बिच। पूनम छोड़ दो मुझे प्लीज। पूनम तमाशा बनने से कोई फायदा नहीं। इस पर जबान के लिए तुम्हें अकेला ही काफी हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि एनुअल डे खराब हो। To hell with the annual day। ड्रामे में भी ये नीच पर्सनल झगड़ों पे उतर आए। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी सकता हूं। विनोद मैं तुम्हें पहले भी कई बार वार्निंग दे चुका हूं लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज तुमने हमारे कॉलेज की इज्जत खाक में मिला दी है इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अरे ऐसा कर। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं डैड वो वैसे थोड़ा ड्रामे में लग गए। ड्रामे में वो कैसे? वो क्या हुआ डैड वो हीरोइन थी ना उसको मारना नहीं आ रहा था एंड यू नो आई एम अ डेडिकेटेड एक्टर तो मैंने उसे कहा घबराओ मत सचमुच मार दो। कुछ नहीं थोड़ी सी लगी है डैड। अरे वाह अगर ड्रामे में जल्लाद को गर्दन काटना नहीं आया तो क्या सचमुच कटवा लोगे? आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा डैड दिस इज जनरेशन गैप। जनरेशन नहीं आएगा समझ गया। डैड आपको ठाकुर अंकल मिले थे? सच में तुम सीरियस हो? मैं तो कब से चाह रहा था कि पूनम जैसी लड़की बहू बन के इस घर में आए। तुम फिक्र मत करो ठाकुर मेरे पुराने दोस्त हैं उनसे मैं कल ही बात करूंगा। मैं तो यार उन पुरानी धजिया लुसी बातों को मानता है कि लड़के वाले हैं तो चल के लड़की वालों के क्यों जाए। जैसे रिश्ते का ख्याल आया मैं विनोद की नहीं बात करने आ गया। अब बोल तू क्या कहता? अरे इसमें बोलना क्या है तू इतनी दूर से आया है बात पक्की करने तो क्या मैं घर बैठे बैठे बात पक्की नहीं कर सकता? तो मिला हाथ। पूनम मम्मी क्या सच है कि आप लोग मेरी शादी विनोद के साथ कर रहे हैं? हाँ तेरे डैडी ने तो बात पक्की भी कर दी मुझसे पूछे बगैर। शादी तो एक ना एक दिन होनी है इसमें पूछने की क्या बात है? मेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँ मम्मी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं। अच्छा मैं समझ गई कौन है वो? वो कोई बड़ा आदमी तो नहीं है एक मामूली सीधा साधा सा लड़का है पर मम्मी है बहुत अच्छा। क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? यही मेरा मतलब है इसी शहर में रहता है। अरे बता तो सही वो है कौन? मम्मी वो तेरी खुशी नहीं हमारी खुशी है बेटा। मैं तेरे डैडी से कहकर वही बात करवा दूंगी लेकिन कुछ तो बता उसके माँ बाप कौन है उसका घराना क्या है? घराना मामा मम्मी वो अरे डरती क्यों है बोल ना। मम्मी वो लड़का चंदर है। पागल हो गई है क्या? ठाकुरों की बेटी एक नौकर के बेटे से नहीं जाई जा सकती।
अगर तेरे डैडी ने ये बात सुन ली तो तुम दोनों को गोली मार देंगे। मम्मी जानती नहीं, समाज में हर आदमी की अपनी एक जगह होती है और आदमी सिर्फ अपनी जगह पे ही अच्छा लगता है। अब कभी ये बात न कहना और न कभी सोचना। घर में जो कुछ हो रहा है तुम्हें मालूम है? फिर तुमने क्या सोचा है? आज पहली बार मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारे मुकाबले में मैं कितना छोटा हूं। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। अभी वो जमाना नहीं आया पूनम कि दो प्यार करने वालों के बीच में समाज और खानदान की कोई दीवार ना हो। जिंदगी हमारी है, इनके फैसले भी हम करेंगे। चंदर, समाज और खानदान की बातें यहाँ है, हम कहीं और चलेंगे जहाँ ना कोई तुमसे तुम्हारा खानदान पूछेगा न मुझसे मेरा। पूनम। हाँ चंदर, जब तक घर वालों को पता चलेगा हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। नहीं पूनम, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि हमने प्यार किया है और प्यार कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, फिर हम क्यों भागे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उस जीने से क्या फायदा कि जिंदगी भर ये ख्याल हमारा पीछा करता रहे कि ठाकुर साहब ने इस बदनामी के जहर को कैसे पिया होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा, क्योंकि लाडली बेटी एक नौकर के बेटे के साथ भाग गई। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे ज्यादा तुम्हें डैडी की इज्जत से प्यार है? मेरी बात समझने की कोशिश करो पूनम। हमारे यहाँ एक रवायत है, जिस पेड़ का आसरा लिया हो उस पेड़ को नहीं काटते। मैं ठाकुर साहब के एहसानों का बदला ये नहीं देना चाहता जो तुम चाहती हो। मैं आज जो कुछ भी हूं ठाकुर साहब की मेहरबानियों की वजह से तो हूं, वरना तुम्हारे घोड़ों के अस्तबल में एक लड़का बढ़कर जवान हुआ होता और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तुम उनके एहसानों की कीमत चुकाओ, मैं अपने प्यार की कीमत नहीं चुकाऊंगी जहां वो शुरू हुआ था। प्यार प्यार, तुम्हें प्यार का मतलब भी मालूम है? प्यार सिर्फ एक दूसरे को पाने का नाम ही नहीं, एक दूसरे को खोने का नाम भी प्यार ही है।
चांद तो रात को निकलता है सुनो, अब हमारा चांद भी जुदाई की रात निकलेगा और उसकी चांदनी में हमारे दिलों का कोना कोना जगमगा उठेगा। अरे पगली, शादी तो बदन के मिलाप का नाम है, दिलों का मिलाप इसे कहीं बड़ी चीज है। पूनम, वादा करो तुम डैडी की बात मानोगी। मेरे लिए चांद दे सकती हो, वचन नहीं दे सकते। इन आंखों को तुम्हारे सपने देखने से कैसे रोकूं? इन आंखों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं पूनम, ये शरीफ लड़की की आंखें हैं, किसी और के घर जाकर ये मेरे सपने देखना छोड़ देंगी। वचन दो। मुझे अपने भविष्य से डर लग रहा है चंदन, मुझे अपनी बाहों में ले लो, इतनी जोर से कि मेरी सांस रुकने लगी, तब शायद मैं ही वचन दे सकूं। लग जाए लोगों लगाई नहीं जाए रे, ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे। लग लग जाए लोगो लगाई नहीं जाए रे, ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे। जब ये बचपन कहीं दूर जाने लगे, रुक जवानी किए पास आने लगे, दिल की धड़कन नए गीत गाने लगे, सांस नगमे नए गुनगुनाने लगे, बिन प्रिये ये कदम डगमगाने लगे, फिर किसी दिन कहीं आंख ऐसे लड़े, आंख ऐसे लड़े साथ दिले उड़े, जब मिले दिल जवां तो शुरू दास्ता तो दीवाने बने, जिस्म तो एक जा, जो मिले दिल तो मिलके जुदा हो कहां, ये मोहब्बत दिलों से मिटाई नहीं जाए रे, ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे। Thank you.
प्यार के रंग से फिर हंसी हो जहां फूलों की हो जमी तारों का आसमां हो शराबी हवा हो गुलाबी घटा मुस्कुराए नजर डगमगाए आधा हर कदम पे खुशी हर कदम पे नशा हर कदम पे खुशी हर कदम पे नशा आते आते कभी आए फिर ये घड़ी जिंदगी से जुड़े जिंदगी की कड़ी प्रीत दुल्हन बने लाल जोड़ा सजे प्यार दूल्हा बने सर पे तेरा बांधे हाथ मेहंदी रचे और पिया थाम ले जोड़ी बन जाए लोगो बनाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे पर हमेशा यहाँ ऐसा होता नहीं सुनते आए हैं जो वैसा होता नहीं इश्क की राह में बारहा ये हुआ इश्क की ये दुआ बन गई बद्दुआ प्यार बिछड़ा कहीं यार मारा गया यार बिछड़ा कहीं यार मारा गया यार बिछड़े जहाँ देखे तन्हाइयाँ दिल से लिपटी हुई चलती परछाइयाँ फिर तो लगने लगे जिस्म के संग जा आग ऐसी लगे चाहे ऐसा धुआं बात हो जाए जल जल के दोनों जहां दिल की बस्ती लुटे तो बसाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे लागी लग जाए लागो लगाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्त देव इसरा बंदिता चामाम पाप कन्या का हाथ अपने हाथ में लीजिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवंत जंगम कुंडोनी कांटम या कुंडोनी सादराया सुवस्था विदाया वीणा वर्दन मंदिर कराया जा ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्त देव इसरा बंदिता चामाम पाप ओम भुवम सा ओम गणपते गिरजा उंगुंगवामहे ओम मंगल मलम भगवान विष्णु विष्णु
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवंत जंगम कुंडली कांड पता चला? कुछ पता नहीं चला, सब चुपचाप हैं। डॉक्टर किसी को मिलने नहीं देते। आज तीसरा दिन है। तो कुछ खा ले बेटा, शायद आज मिलने दे। मैं देखकर आता हूं। मुझे क्या मालूम था कि शादी की घड़ी मेरी बेटी की जान की दुश्मन बन जाएगी। जो हुआ उसे भूल जाइए, सब सब ठीक हो जाए। लो डॉक्टर साहब, जान का खतरा तो टल गया। क्या हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर साहब? क्यों नहीं, मगर कुछ देर के लिए। आइए आइए। डॉक्टर साहब कह रहे थे जान का खतरा टल गया बेटी। जान का खतरा ही क्या सब कुछ होता है मम्मी। विनोद कुछ कहे बगैर चला गया, बात समझ नहीं आई। किसी जरूरी काम से गया होगा, इसमें फिक्र करने की क्या बात। पूनम की हालत देखकर उसकी निगाहें कुछ बदली सी नजर। ठाकुर साहब ये आपको वहम, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरी मर्जी के खिलाफ सोच भी नहीं सकता। बिटिया की जान बच गई है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। बस आप शादी का मुहूर्त निकलवाइए। किसकी शादी? अब मैं पूनम के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगा। विनोद ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं डैड, मैं उस जले हुए चेहरे वाली लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। राम राम, कैसी दोस्ती के दम भरते थे ये तुम्हारी जबान। तुम्हारा बेटा रंग बदले और तुम वो तमाम बातें जब कहना चाहते हैं मुझे जबानी याद है ठाकुर साहब। जबान की कीमत, जान देने की परंपरा, मैं सब समझता हूं। जबान पे तो जान मैं भी दे सकता हूं, लेकिन उस बदसूरत लड़की के लिए नहीं। विनोद ये शादी होगी? हाँ डैड, शादी तो जरूर होगी, लेकिन मेरी नहीं। हे भगवान, अब मेरी बच्ची का क्या होगा? उस रात के हादसे के बाद से तो वो यूं ही घुट कर रह गई।
अब ये सुनेगी तो भगवान न करे। ठाकुरों में सबाल से ज्यादा सूरज कब से देखी जाने लगी? जब से ठाकुर रोने लगे हैं। पहुंच डालो अपने यहां से और शुक्र करो भगवान का कि हम अपनी बेटी को सूरज देखने वालों के यहां बयाने से बच गए। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपने बालों की? मैंने सुन लिया है मम्मी। क्या सुन लिया? वही जो तुमसे कहा नहीं जा रहा कि विनोद ने शादी करने से इनकार कर दिया है। इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है मम्मी। शादी में सूरत तो देखी जाती है ना, और मेरी सूरत तो ऐसी हो गई है कि मुझसे खुद ही नहीं देखी जाती। कैसी आग लगी है दुनिया को, अब बड़े लोग भी छोटे हो गए हैं। क्या मामा? विनोद ने पूनम के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या? नहीं। तुम क्या समझते हो कि मैं पूनम से प्यार करता हूं इसलिए उससे शादी करना चाहता था? नहीं, मैं तो सिर्फ उससे बदला लेने के लिए शादी कर रहा था, और वैसे भी शादी के बाद उसकी जिंदगी खराब होने वाली थी। शादी से पहले होगा ये, मेरा काम पूरा हो गया। इतना तो मालूम था कि तुम्हें गिरे हुए शख्स हो, लेकिन इतने नीच हो इसका अंदाजा नहीं था। चंदर, अब पूनम सिर्फ तुम्हारे लायक रह गई है। गो अहेड। पूनम किसके लायक है और किसके लायक नहीं ये तुम्हें नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम कभी पूनम के लायक नहीं थे। स्टुपिड फेलो। क्या बात है चंदर? पूनम की शादी के बारे में जो कुछ सुना है क्या वो सच है ठाकुर साहब? हाँ सच है। तो फिर? क्षत्रियों में तो फिर नहीं होता चंदर, पहले तुम लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते थे, वही सोच रहा हूं ठाकुर साहब। और क्या करूं, बाजार से ना ही तो उसके लिए कोई नया चेहरा खरीद सकता हूं और ना ही कोई वर। ठाकुर साहब, मुझे तो आपकी मेहरबानियों ने पहले से ही खरीद रखा है। हीरा चाहे कितना भी दागदार हो लेकिन पीतल की अंगूठी में नहीं लगता। ये बात सोचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हमारी मेहरबानी को गलत मत समझना, अपनी जान पर खेलकर अगर तुमने पूनम की जान ना बचाई होती तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होती। नमक हराम। ठाकुर साहब, मैं अपने प्यार पर शर्मिंदा नहीं हूं, फिर भी आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन नमक हराम नहीं हो सकता। ये आपने क्या किया? आखिर आपको कब समझ आएगी? क्या आपको मालूम नहीं कि पूनम भी यही चाहती है? पूनम अगर कुएं में कूद जाना चाहे तो इसका मतलब हम उसे कूदने देंगे? वो तो इसके साथ भाग जाने के लिए तैयार थी। पूनम चंदर के साथ भाग जाना चाहती थी? हाँ, और उसी ने यह कहकर मना किया था कि वो आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी थी। भगवान के लिए अपनी बेटी की खुशियों को अपने खानदान और दौलत की तराजू में मत तोलिए, उसके भविष्य का तो कुछ ख्याल कीजिए। पूनम बेटी, तेरे डैडी राजी हो गए हैं मुझे गोली मारने पर। कैसी बातें कर रही है? तेरे डैडी तेरी और चंदर की शादी के लिए राजी हो गए हैं? बेटी, हम तो चंदर के पांव धोकर पिए तो भी कम है।
वरना उस मनहूस रात के बाद। खैर तू भूल जाए सब बातों को, अब तो तू अपने और चंद्र के बारे में ही सोच। तुम यहां से जाओ चंद्र। एक बार देखो तो सही। नहीं, तुम देखोगे तो नफरत करने लगोगे मुझसे। मेरे चेहरे पे मेरी बदकिस्मती की कहानी लिखी है। आईना देखती हूँ तो खुद नफरत होने लगती है अपने आप से। तो मोहब्बत थी कब अपने आप से? मोहब्बत तो मैं करता हूँ तुमसे। ये वो होंठ हैं जिन्हें मैं अपनाना चाहता हूँ। ये वो आंखें हैं जिनमें मैं बस जाना चाहता हूँ। ये वो निशान है जो प्यार का चिराग बनकर मेरी जिंदगी को चकमका देंगे। मैंने तुम्हारी खूबसूरती को कभी नहीं चाहा, तुम्हें चाहा है पूनम। वक्त गुजरने पर होठों का शहद भी सूख जाता है, आंखें भी अपना जादू भूल जाती हैं। तो क्या प्यार करने वाले अपना प्यार कम करते हैं? प्यार का जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं है पगली। हे भगवान, ऐसे सुंदर लड़के के भाग्य में ये जलमोही लड़की। शारदा बहन, ये शादी तो सिर्फ पैसे के लिए हो रही है। ये लड़का तुम्हीं का पला हुआ है। ठाकुर साहब को जब कोई और वर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी लड़की इसी की सर मर दी। लेकिन इस लड़के को भी शर्म नहीं है ऐसे सुंदर लड़के का जीवन खराब करते। पूनम, बात मेरी समझ में नहीं आई पूनम। मेरे बार बार पुकारने पर भी तुम नहीं रुकी, इसलिए मुझे यहां तक आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? वही बात बार बार सुनने का तुम्हें इतना शौक क्यों है? चेहरा जल जाने का यह मतलब नहीं कि मैं अपने किसी नौकर की बेटी से शादी कर लूं। यह बात तुम्हें आज ही क्यों याद आई कि मैं तुम्हारे किसी नौकर का बेटा हूं? कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ भाग जाना चाहती थी और तुम इस मजाक को हकीकत समझे। और क्या वो तमाम सपने भी मजाक ही थे जो हमने साथ साथ देखे थे? वो हमारी आंखों का धोखा था। और अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे यहां आ जाने की गलती माफ करती हूँ। पागल हो गई हो? जिंदगी का बच्चों का खेल है। मां से जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं ना ही विनोद के साथ शादी के लिए उससे पूछा था और ना ही चंद्र के बारे में उससे सलाह ले रहा हूं। उसकी शादी होगी तो चंद्र के साथ होगी। कहां चंद्र? चंद्र, चंद्र। ठाकुर साहब। ठाकुर, चंद्र कहाँ है? पता नहीं ठाकुर साहब, वो कहीं चला गया है। चला गया? कहाँ चला गया? पता नहीं, बस ये चिट्ठी छोड़ गया। ओह माय गॉड, तुझे अपनी जिंदगी पर तो इख्तियार है लेकिन चंद्र की जिंदगी बर्बाद करने का तुझे कोई हक नहीं था। क्या हुआ है चंद्र को? वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? भगवान ही जाने। तूने ये तो सोचा होता
किसके भी माँ बाप है, उन पर क्या बीते मेरे दाग दाग चेहरा लेके चंदर की जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी मम्मी। चंदर को जवाब देने से पहले तूने मुझसे या अपने डैडी से तो पूछा होता। तू अच्छी तरह जानती है कि तेरे डैडी ने कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है। थोड़े ही दिनों में तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। लग लग जाए लोगों लगाई नहीं जाए रे, ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे। अरे वो आ कलंदर बादशाह, क्या जादू है तुम्हारी आवाज में, चलती है जीत के पहिए रुक जाते हैं और मुझे दीदार के लिए ही आना पड़ता है। अरे चंदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे जानते हो? हाँ बादशाह बड़ी अच्छी तरह, ये अपना चंदर है। तो फिर इसे अपने साथ ले जाओ। पर इसे हुआ क्या है? वही जो हमेशा से होता आ रहा है, दिल और दौलत के टकराव में टूटता तो दिल ही है ना। सोनी चांदी की सीढ़ियां चढ़ गई और महिवाल समाज के तूफानी चिनार में अकेला रह गया। अब या तो ये मेरी तरह वीरानों के खाक छानता फिरेगा या फिर क्या बादशाह, ये मर जाएगा। चंदर आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? चलो आओ आओ उठो। आओ बरखुदार, देखो ये रहा हमारा अस्तबल और वो रहा हमारा कोरम। हम कल तुम्हें सब कुछ दिखलाएंगे, अभी तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। आओ ड्राइवर सामान उतारो। आओ बैग। डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे मालूम तुम्हें मुझसे क्या कहना, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ कहना। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं। जितनी दौलत तुम्हारे हाथों लुटा सकता था लुटा चुका। यू आर एन इडियट। मैंने तुम्हारे लिए कभी ना खत्म होने वाले खजाने का दरवाजा खोला जिसे तुमने अपने हाथों में। ओ डैड आप फिर पूनम की बात ले बैठे। हाँ मैं फिर पूनम की बात ले, लेकिन जिसे तुम पूनम की बात समझ रहे हो वो दरअसल में पूनम की नहीं, पूनम के बाप की दौलत की बात। पूनम किसी लड़की का नाम नहीं जिसकी शक्ल देख के तुम बिदक। पूनम नाम है नोटों की बेशुमार गड्डियों का। नोट फट जाए या उसमें दाग लग जाए तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। तुम जो ये बही खाते देख रहे हो ये बही खाते नहीं, हमारी इज्जत की चिता है। मैंने एक बड़ा खेल खेला हार दिया, आज से तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। अपने खर्चे के लिए या तो कोई नौकरी करो या सड़क में भीख मांगो या फिर क्या पूनम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। पूनम मैम सब जी हैं? वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में क्यों? उनके चेहरे का ऑपरेशन होने वाला है। चेहरे का ऑपरेशन? जी हाँ। हम्म।
तुम यहां कैसे? अंकल, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तो तुम्हें मालूम हो गया है कि पूनम का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से ठीक हो जाएगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है अंकल, पर आप यकीन मानिए यह बात मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं। तो फिर ये एकदम माफी मांगने का ख्याल कहां से आ गया? मैं जानता हूं अंकल, आप मेरी बात को झूठ मानेंगे, लेकिन सच बात यह है कि उस दिन से आज तक मैं नींद भर सो नहीं सका। मैं आज पूनम का हाथ मांगने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगना आया हूं, ताकि मैं नींद भर सो सकूं। अंकल, मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया तो भी क्या होगा, शादी तो पूनम चंद्र के साथ ही करेगी। पर मैंने तो सुना कि चंद्र लापता। अंकल, हाँ, पूनम की खुशी के लिए मैं उसे तलाश करूंगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। फर्ज कीजिए चंद्र फिर भी ना मिला तो भी फैसला पूनम के हाथ में है, क्योंकि मैं एक बार फैसला करके फंसा चुका हूं। वैसे मैंने तो यही चाहा था कि पूनम की शादी तुम्हारे साथ हो, मगर बस करो अंकल, बस मैं यही सुनना चाहता था। आगे मैं जानू मेरी तकदीर, लेकिन हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दीजिएगा। वाह भाई वाह, तुम यहां आराम फरमा रहे हो और नीचे मेहमान तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं, तो मैं जल्दी तैयार हो जाओ। तैयार होने का जी नहीं चाह रहा था। अरे सर गया तेल लेने। सुनो, मैं तुमसे बात पूछूं। जी। तुम में और पूनम में समझ गया, वही पुरानी हजारों साल पहले वाली कहानी, शिकस्ता शीशाए दिल की भला सजा क्या है। पर ये दिल किसी ने अपनी दौलत के पत्थर से तोड़ा है सर। I'm sorry my boy, देखो अगर यही बात है तो तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। भाई हम तो एक बात जानते हैं कि दिलों के बीच में जो दौलत लाए उसे तो पहली फुर्सत में भुला देना चाहिए। उसकी यादों से कभी फुर्सत मिली तो उसे भुलाने की कोशिश जरूर करूंगा सर। तो उसकी यादों से हम फुर्सत दिलवा देंगे तुम्हें। आओ इसी तरह चले आओ, आओ आओ शाबाश, चलो चलो चलो। हमारा कैवलरी का कर्नल कहा करता था, विस्की ऑन द रॉक्स। लो बरखुदा, ये तुम्हारे भूलने की यात्रा शुरू करो। सर मगर, हाँ अगर मगर मुझे सब मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि दुनिया के जितने मजहब है ना, जितने धर्म है ना, वो सब कहते हैं खाना ज्यादा नहीं पीना ज्यादा नहीं, और ये डॉक्टर है ना, हाँ ये तो बहुत डरा देते हैं, कहते विस्की ज्यादा पियोगे तो तुम्हें ये पांव के हाथ क्या जिगर की बीमारी हो जाती है और आदमी, लेकिन एक दो फेंक से क्या होता। भूल जाऊंगा। अरे भाई मैं तो भूल जाता हूं। इतना जल्दी नहीं पीना चाहिए, उमर खयाम कह गए हैं दरबादा खुरे बाखिरद मंदा खुन, अगर पीना है तो अकलमंद आदमियों के साथ पियो या हसीन लड़कियों की सोबत में पियो। बिस्यार मखुर ज्यादा मत पियो, जूद मुकुन जल्दी मत पियो, लेकिन तुमने वही कर दिया। हाय हंसी, तो ये है आपकी मिस्टीरियस गेस्ट। यू लुक वेरी फाइन, आई एम रीना, कम ऑन यार। ये मिस्टर सिन्हा मेरे फॉर्मल अंकल नहीं, रियल अंकल है। हाँ एकदम रियल, बिल्कुल असली। भाई तुम लोग आपस में बातचीत करो, मैं एक ड्रिंक बनाता हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। छोड़ो यार, ये फॉर्मेलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना जानना पहचान, बड़ी खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? आम चंदर। ओहो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस चंदर। ना मैं कुछ कमी रहे, न शिस्त यूं जमी रहे। देखो रीना, ये चंदर है ना, जबरदस्त हॉर्स राइडर है, और मैं ये इंट्रोडक्शन से घबराता हूँ। भाई तुम ही चाय ले लो इसका। कमाल यार, आई एम नॉट अ मैन, इट इज सम कमाल, यू नो, हैव अ ड्रिंक।
मैं दरअसल एक पी चुका हूँ। Come on यार, have another one। Bravo, fantastic। सिन्हा साहब कह रहे थे कि ये भूलने में मदद करती है। किसे भुलाना चाहते हैं आप? कमान यार बताओ ना, किसे भुलाना चाहते हो? खुद मैं परेशान हूँ, जिसकी मंजिल नहीं ऐसा इंसान हूँ। अपनी हस्ती से खुद मैं परेशान हूँ, जिसकी मंजिल नहीं ऐसा इंसान हूँ। मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, क्या से क्या हो गया, मैं भी हैरान हूँ। जरा मेरे हम नहीं थाम ले, मुझे थाम ले जरा। बुझ गया भी तो क्या, अपने दिल का दिया, अब न रोएंगे हम रोशनी के लिए। बुझ गया भी तो क्या, अपने दिल का दिया, अब न रोएंगे हम रोशनी के लिए। दिल का शीशा जो टूटा तो गम क्यों करे, दर्द काफी है बस जिंदगी के लिए। आ जरा मेरे हम नशी थाम ले, मुझे थाम ले आ जरा। रात जाती रही मेरे गम का न, लेकिन सवेरा हुआ। रात आती
रही, रात जाती रही, मेरे गम का न लेकिन सवेरा हुआ। अपने अपने नसीबों की बातें हैं ये, जो मिला हमको उसका बहुत शुक्रिया। आ जरा मेरे हम नशी थाम ले, मुझे थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, मुझे थाम ले। आ जरा हेलो चंदर। हेलो। तुम बहुत गजब का गाते हो, मगर यार लाजी ड्रंकर वरी ना सीख जाओगे। हमारे घोड़े कैसे लगे? वंडरफुल एनिमल। एनिमल? अंकल के सामने मत कहना, उनके लिए तो ये फैमिली मेंबर्स हैं। अंकल भी बहुत अजीब आदमी है ना? तो तुमने मेरे खिलाफ इस्तेकान भरने का सिलसिला शुरू कर ही दिया ना। ओ अंकल, जैसे आपको मेरे कहने ना कहने की बड़ी परवाह पड़ी। परवाह करने लगे तो मुसीबत डबल हो जाएगी। देखो चंदर, ये हमारे वेटरनरी सर्जन डॉक्टर शुक्ला। हेलो, हाउ डू यू? आई एम फाइन, थैंक यू। इधर बेटी, डॉक्टर शुक्ला को सफेदे के पास ले जाओ ना। राइट सर। बाय चंदर। बाय। बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। बहुत बोलते हैं। अच्छा चंदर, ये बतलाओ तुम्हें हमारा एस्टेब्लिशमेंट कैसा लगा? फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, नॉट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास बी बरखुरदार। इस एस्टेब्लिशमेंट को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए किसी फर्स्ट क्लास आदमी की जरूरत है। मैं तो चाहता था कि तुम यहीं रह जाते, लेकिन पूनम ने एतराज कर दिया था। पूनम कौन होती है एतराज करने वाली? मेरी अपनी जिंदगी है, क्या मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। अगर ऑफर अभी स्टैंड करता है तो मैं हाँ जी ज्वाइन कर। माय बॉय, द ऑफर स्टैंड। सुनो, तुम यहाँ के काम में इतने उलझ जाओगे कि तुम्हें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, इंप्रूविंग वेरी वेल, शाबाश भाई, बहुत बहादुर लड़की हो। थैंक यू डॉक्टर। कैसे बेटे? चंद्र का कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। डैडी फिकर न करो बेटे, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, आपके लिए फूल। कितने सुंदर फूल हैं, किसने भेजे? नाम नहीं बताया। जरूर चंदर ने ही भेजे होंगे, मुझसे खफा है ना, मिलने भी नहीं आया। उसके सिवा और कौन भेज सकता है? कमाल कर दिया चंदर, जिस घोड़े को अंकल ने इतने सालों से सीधा नहीं किया, एक दिन में सीधा कर दिया। अंकल। ब्रेवो, ब्रेवो माय बॉय, दैट वाज गुड, वेरी गुड। चंदर, वो क्या है ना? सुनो, वो घोड़ा। हाँ, वो घोड़ा घोड़ा। भागता बहुत तेज है नहीं? व्हाट इज दिस चंदर? जिंदगी सिर्फ सोचना ही नहीं है। तो क्या है? मैं बताती हूँ। चलो। कहाँ? अरे यार, तुम सवाल बहुत करते हो, जवाब किसी का भी नहीं देते। चलो तो सही। लेकिन कहाँ? अरे तुम चलो ना। कहाँ? जवान
मैंने कहा था ना, देखो तुम्हें पहले से भी कहीं अच्छा बना था, मगर मैं अपनी फीस आंसू में नहीं लेता, मुस्कुराहटों में लेता। That's good. अच्छा मैं ठाकुर साहब वगैरह को बुला के लाता हूँ। अरे भाई फूल भी आ गए। He's also come. और आज फूल वाला भी आ गया। Thank you. Yes, doctor. मिस पूनम इस फूल वाले से मिलना चाहती है, जाओ उसे बुलाओ। Yes, doctor. डॉक्टर साहब आप भी, मुझे कपड़े तो बदलने नहीं दीजिए। अरे भाई वो तुम्हें देखने आ रहा है, तुम्हारे कपड़ों को नहीं। ये फूल तुम भेजा करते थे? क्यों? किस लिए? तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी ना, इसीलिए फूलों को सिफारिश के लिए भेजता रहा। मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता था। जब से मैंने शादी से इनकार कर दिया है, मैं पल भर सो नहीं सका। तुम अगर माफ कर दोगी तो। गुनाह तुमने चंदर का किया है, माफी भी तुम उसी से मांगो। लेकिन चंदर है कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं समझती थी ये सब फूल चंदर भेजा करता था, लेकिन कल हम लोग घर वापस जा रहे हैं, मैं रघु काका से पूछूंगी। तो कल मैं भी घर आ जाता हूँ, चंदर का पता करना है। माय डियर ठाकुर, ये ना पूछना कि मैं तुम्हें आज क्यों बतला रहा हूं, लेकिन चंदर मेरे पास है। मैंने उसे काम के चक्कर में ऐसा फंसाया है कि उसे अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वो धीरे धीरे अपनी उदासी के खोल से बाहर आ रहा है। लगता है कि थोड़े ही दिनों में जीने में भी उसका जी लगने लगेगा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हाय पूनम, हाउ आर यू अंकल? फाइन, वेरी फाइन। मम्मी, विनोद का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे कह दो या नहीं आया करे। मैं तेरे डैडी से कह दूंगी, वो उसे मना कर देंगे। अरे कमाल हो गया, चंद्र का पता चल गया। कहाँ है था? सिन्हा के पास। चलिए डैडी हम वहां चलते हैं, आज ही इसी वक्त। नहीं बेटे, तुम तो जानती हो वो किन हालात में छोड़कर गया है। ऐसा करता हूँ, पहले मुझसे खत लिखता हूँ, फिर उसके बाद। नहीं डैडी, खत मैं खुद लिखूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक बार मुझसे पूछो तो कि मैंने उस दिन इनकार क्यों किया था। तुम उसे प्यार करती हो ना, तुम्हारे साथ किसी बदसूरत चेहरे वाली लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। चंदर, मैंने अपने आप को तुम्हारे लायक बनाने के लिए अस्पताल में दिन या हफ्ते नहीं महीनों काटे हैं। अब मैं तुम्हारी बाहों में आने के काबिल हो गई हूँ। ये तस्वीरें भेज रही हूँ, बताओ कि मैं पहले जैसी हो गई हूँ या नहीं। अब मैं घर वापस आ गई हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चंदर, ये रहा आपका सोडा और रहा। आज सोडा नहीं यार। अरे विनोद, क्या है रम कम से पीने लगा? अरे ये क्या कर रहा यार? वेटर, दो एक्स्ट्रा स्कॉच विस्की लाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। हम दुनिया को पिला रहा था, कॉलेज में तू वही की था जो हमको पिला रहा था ना। अरे यार तू तो स्कॉच पीने का रम कम से पीने लगा है। आजकल वो शनर है ना, वो भी स्कॉच पीता है। चंदा, तुम्हें कहा मिला था चंदा? जी जी, डिस्को में। कौन से डिस्को में? यार डिस्को में क्या लड़कियां डांस करती है, वो सारा अपना चंदर है ना, उसने क्या फटाकर लड़की पटा के रखी है। वो फटाके के साथ वो कौन सा डिस्को है जहाँ तुमने चंद्र को देखा था? ए, मैं थोड़े के साथ नहीं पीता, तुम जाओ यार। बस ले। कौन सा डिस्को है जहाँ तुमने चंद्र को देखा था? जाओ।
वो रोड रोड पे हाईवे हाईवे है क्या रोड है यार? मेरी गाड़ी मक्खन की वहां पे चल रही थी। मक्खन वो मक्खन आया है ना, उसकी लड़की मेरे को लाइन मारती है। लेकिन सही, वो बहुत चिकनी है, हाथ में नहीं आती, फिसल जाती है। मैं मक्खन लाल की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्को की बात कर रहा हूँ जहाँ तुमने चंद्र को देखा था। वो कौन सा डिस्को है? बिस्कुट नहीं है, डिस्को डिस्को। मैं बिस्कुट की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्को की बात कर रहा हूँ जहाँ तुमने चंद्र को देखा था। और अगर अब नहीं बताया ना, जितनी दारू तुमने पी है मैं तुम्हारी पतलून में से निकाल कर रख दूंगा। मेरे जेब में रामपुरी चाकू है जो मैं तुम्हारे ऊपर। रामपुर देखा था रायगढ़। चंद्र का घोड़ा खाली वापस आ गया। चंद्र कहाँ है? पता नहीं। सुनो, अपने तमाम आदमी से उसकी तलाश करें। प्लीज गो गो। साहब, नदी के पास एक जगह खून देखा गया। खून? लगता है ब्लैकी ने ठोकर खाई, चंद्र साहब गिर गए और शायद नदी उन्हें बहा ले गई। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। पुनम, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। पुनम, पुनम बेटे, पुनम बेटे, पुनम बेटे, पुनम, तुम जरा से संभालो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पुनम बेटा, होश पे आओ बेटा। पुनम, चंद्र के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरा तो एक ही दोस्त था, ऐसे दोस्त बार बार नहीं मिलते अंकल। मुझे तो पुलों की फिक्र खाई जा रही है, न जाने इस लड़की क्या होगा। मेरे होते उसे कुछ नहीं होगा अंकल। पता है जब मैंने शादी से इनकार कर दिया था तो चंद्र मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं पूनम से शादी कर लूं। मैं अपने दोस्त की आखिरी आरजू को जरूर पूरा करूंगा अंकल, जरूर पूरा करूंगा। पता नहीं पूनम की किस्मत में क्या लिखा है।
देखिए घाव बिल्कुल भर चुका है, अब किसी किस्म की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अंकल आप पूनम की चिट्ठी चंदर को क्यों नहीं दे देते? खत कैसे दूं? मुमकिन है उस खत में कुछ उल्टी सीधी बात लिखी हो जिससे इसके दिल पर बुरा असर पड़ जाए। बेटिया जी इस वक्त इसे संभालना तुम्हारा काम है। ओके अंकल। पर बेटे तुम्हारे सेना अंकल की टेलीग्राम आई है, चंदर जिंदा है। चंदर जिंदा है? हाँ लेकिन जरा घायल है। डैडी मुझे चंदर के पास ले चलो। हाँ बेटे हम सब लोग चलेंगे। वो जिंदा मिल गया और ठाकुर साहब कह रहे थे कि वो रायगढ़ में ही पूनम की शादी चंदर के साथ कर देंगे। अब तुम ख्याल फुलाव पकाते रहो, हांडी तैयार हो जाए तो मुझे भी बुला ले। मेरी भी एक बात सुनते जाइए, अगर पूनम है तो सिर्फ मेरी है, नहीं तो पूनम है ही नहीं। आहा कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार चले। अंकल चंदर क्या है? चंदर देखो मुंह हाथ धो लो आराम कर लो। बताना वो सामने गेस्ट रूम है ना उसमें। अरे भाभी चाय का वक्त हो गया, आइए ना। आओ चलो। ओह प्लीज रीना बी ए गुड बॉय, डॉक्टर ने कहा है प्लीज। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, कम क्या है, गोलियां खा के बस पेट खराब करो। हाँ दैट्स अ गुड बॉय। गुड बॉय रेस्ट करो, गोलियां खाओ तुम। पूनम हो? हाँ। अब समझी मेरे खत का जवाब क्यों नहीं दिया उसने, उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम तो उसे ठुकरा चुकी हो, उसका दिल तोड़ चुकी हो, फिर क्यों आई हो यहाँ? मैंने समझा वो अब भी मुझसे प्यार करता है। नहीं मैंने उस मुद्दे में जान डाली है, उसे नई जिंदगी देने की कोशिश की है, प्यार दिया है उसे। प्यार? हाँ तुम्हारे पास चंद्र के सिवा सब कुछ है और मेरे पास उसके सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास दौलत है, उससे जाकर अपनी खुशियां कहीं और से क्यों नहीं खरीद लेती?
हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करने आई हूँ? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। पूनम, क्या बात है चंदर? नहीं, मुझे लगा जैसे पूनम किसी से बात कर रही हो। डोंट बी सिली चंदर, पूनम की आवाज यहाँ कहाँ से आ सकती है? तुम लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। नहीं रीना, मेरे कान इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकते। तुम सच कह रही हो पूनम आ नहीं थी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। नहीं रीना, झूठ बोल रही है चंदर। डॉक्टर, मरीज से मौत के बारे में झूठ बोलते हैं रीना, जिंदगी के बारे में नहीं। पूनम यही है चंदर, और वो तुमसे ही मिलने के लिए आई हुई है, लेकिन रीना नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलकर अपने दिल के जख्म हरे करो। मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हीं पैरों में जागिरो जो तुम्हें ठुकरा चुकी हैं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम अपनी नजरों से खुद गिर जाओ। लेकिन मैं तो सिर्फ उसे एक नजर भर देखूंगा। वो अभी अभी स्टेबल की तरफ गई है चंदर। नहीं रीना, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। हवा का दामन पकड़ने से क्या फायदा। तुम रो रही हो? सच, दिल टूटा है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वक्त सबसे बड़ा डॉक्टर भी है और मरहम भी। उसके पास हर जख्म का इलाज होता है, और मैं वादा करता हूँ पूनम कि कुछ ही दिनों में चंदर को बिल्कुल भुला दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। भूल जाओ उसकी प्यारे को। देखो ना, तुमने तो कितनी कोशिश की कि उसे गंदगी से निकाल लो, लेकिन वो एक इस गंदगी में वापस चला आया। और हाँ, अब तो उसने एक नया जीवन साथी भी ढूंढ लिया है। चलो मेरे साथ। बड़ी बेशर्म विनोद, नफरत तक की जबान नहीं समझते। ना मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा है और ना कभी सोचूंगी। पूनम, चंदर मुझे बुला रहा है। तुम चाहे मुझे ना मिलो, चंदर भी तुमको नहीं मिलेगा। एक बार मेरी गोली से बच चुका है, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। अस्तबल में पैदा हुआ है, अस्तबल में मर जाएगा। तुमने अगर मेरा कहा ना माना, मैं चंदर को जान से मार डालूंगा। आज मार कर देख लो। चंदर, हम लोग इधर हैं। हाँ चंदर, हम दोनों यहाँ हैं। पूनम, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ चंदर, मैंने हाँ, इसको तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन मेरे लिए इसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा ठीक करा लिया। तुम्हारे लिए? असल में हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहते थे चंदर। याद है दिन तुमने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा था कि मुझे पूनम से ही शादी करनी होगी? मैंने तुम्हारा कहा मान लिया। आज हम लोग शादी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं। जो कहानी अधूरी थी अब पूरी हो जाएगी। चंदर, तुम्हें मेरा खत नहीं मिला? उस खत में हम दोनों ने अपनी शादी के बारे में सब कुछ लिख दिया था। चंदर, मैं चंदर, अब तुम भी रीना से शादी कर ही लो। कब तक इस जिंदगी में अकेले रहोगे? डार्लिंग, अब तो तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना। कह रही थी कि शादी की बात सबसे पहले तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ओके, हो सके तो शादी में जरूर आना। बाय बाय। चलो डार्लिंग, चले। डार्लिंग, गाड़ी उस तरफ नहीं, गाड़ी उधर है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। एक बार तुम्हें छोड़ने की गलती कर चुका हूं, अब जिंदगी भर नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। अंदर तुम्हें चंद्र की जान बचाने के लिए चुप थी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। मैं अपने होने वाली धर्म पत्नी की जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? चलो मेरे साथ। चलो, चलो मुझे।
धोखा देकर निकल जाओगे? तुम्हारी चालाकी ईमानदारी समझ क्या था विनोद? पूनम की जान बचाने के लिए खामोश रहा। मौत के सामने मत आओ चंदर। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जिंदगी चाहता हूँ इसीलिए नहीं हटूंगा। आज फैसला होकर रहेगा विनोद। जो लड़ाई कभी कॉलेज में शुरू हुई थी आज यहाँ खत्म होगी। हाँ वो आज यही खत्म होगी, लेकिन तुम्हारी मौत के साथ। Oh,